केंद्र सरकार की महिला और बाल विकास मंत्री सावित्री ठाकुर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भी सही से लिख नहीं पाई और वे केंद्र में मंत्री हैं। एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, उस वीडियो को एक झलक उस वीडियो की देख लीजिए, क्या कहता है ये वीडियो। हुआ यूं था कि धार जिले में जहां की सावित्री ठाकुर सांसद हैं, उन्हें एक कार्यक्रम में बुलाया गया। कार्यक्रम स्कूलों में प्रवेश को लेकर था है, नए सत्र में अलग अलग जिलों में अलग अलग आयोजन थे, तो धार जिले में केंद्रीय महिला और बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर को बुलाया गया। वहां स्कूल चले हम अभियान के तहत बोर्ड पर लिखना था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और ये नारा लिखना था बोर्ड पर। और जब सावित्री ठाकुर लिखने बैठी तो उन्होंने क्या लिखा ये आप खुद देखिए। उन्हें लिखना था बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ लिखते तो भी गलत नहीं था, लेकिन उन्होंने लिखा बेटी बढ़ाओ देश 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 बढ़ाओ देश देश देश। आप खुद देखिए क्या उन्होंने लिखा। तो ये हंसी की बात है, हंसी की बात हो रही है, उनको लेकर हंसी की जा रही है, और बचाओ के उन्होंने बच्चा व लिखा, यानी बचाओ जैसा शब्द हमारी के भी भव्य आयोजन था, और मैडम मंत्री स्कूल के बोर्ड पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश लिखने के लिए गई थी। तो ये हाल है हमारी एक केंद्रीय मंत्री के, वो क्या है। और उन मंत्री के बारे में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने परिचय में लिखा है श्रीमती सावित्री ठाकुर महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं। उनके परिवार में पिता अंतर सिंह और माता जमुनाबाई है। विवाह 27 अप्रैल 1995 को हुआ। जीवन साथी का नाम तुकाराम ठाकुर है। इनके दो बेटे हैं। वे इंटर ऑब्लिक हायर सेकेंडरी पास हैं। इसके पहले वे जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुकी हैं। इसके पहले 16वीं लोकसभा में भी 2014 में जब मोदी जी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे तब भी वे चुनी गई थी, लेकिन 2019 में उनका टिकट काट दिया गया। इस बार उन्हें फिर टिकट दिया गया। 2014 में वे महिला सशक्तिकरण सामाजिक सुरक्षा स्कीम संबंधी समिति की सदस्य थी, उद्योग संबंधी स्थायी समिति की सदस्य थी, रेलवे मंत्रालय की सलाहकार समिति की सदस्य थी। अब आप अंदाज लगा सकते हैं कि ये हाल जब हमारे देश के मंत्रियों का है तो वो कितना कारगर होगा। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के बारे में दो लाइन ये कि नरेंद्र मोदी जी ने ही इसे शुरू किया था 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत में, और शुरू में यह 100 जिलों में शुरू किया गया था। इस योजना को मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज ने मिलकर शुरू किया था। तो आप देख सकते हैं कि क्या हाल है हमारी माननीय प्रधानमंत्री का। वे सज धज कर स्टेज पे गई, बड़ा भव्य कार्यक्रम था, लेकिन जब लिखना चाहो तो वे बेटी बढ़ाओ पढ़ाओ बेटी बचाओ नहीं लिख पाई। पढ़ाओ की जगह उन्होंने बेटी पढ़ाओ लिखा था, ढ लिखना ढ के नीचे बिंदु लगानी थी वो नहीं लगाया। तो ऐसी हमारी माननीय